हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों देखिए जब भी शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्ट करता है तो वो यही चाहता है कि अच्छे रिटर्न मिले अच्छा आर मिले जो पैसा उसने लगाया है उस पर हमें पैसा जो है वापस मिले तो कई गुना होकर मिले तो ऐसी कंपनी हम ले आते हैं अपने चैनल पर जिसकी आर हमें बहुत शानदार मिलता है रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा होता है सी बहुत अच्छा मिलता है साथ ही साथ हम ऐसे शेयर को भी इंक्लूड करते हैं जिसमें डिविडेंड भी अच्छा होता है तो देखिए ऐसी ही एक आज कंपनी ले आए हैं हम और इस जो कंपनी का जो देखिए डिविडेंड यील्ड है 7.76 परसेंट का है बहुत शानदार है आर देखिए तीन परसेंट का है दो परसेंट का आर है पी देखिए बहुत सस्ता है 1.16 का और 207 करोड़ सिर्फ 207 करोड़ की कंपनी है मतलब फ्यूचर जो है इसका बहुत अच्छा हो सकता है अगर ये सारे काम अपने ठीक से करती है तो बहुत बड़ी कंपनी ये बन सकती है इन फ्यूचर बत्तीस का भी प्राइस चल रहा है बुक वैल्यू बीस की है तो बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है फेस वैल्यू है पाँच रुपये की तो कौन सी ये कंपनी है क्या कामकाज करती है सभी देखेंगे लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेंगी देखिए अगर हम इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें क्योंकि जब तक सेल्स कंपनी नहीं करेगी तो तब तक कहाँ से प्रॉफिट करेगी और कहाँ से सी देगी तो पहले सेल्स देख लेते हैं देखिए दस की सेल्स है पैंतालीस से बढ़ी है पाँच साल में एक से तीन सालों में दो से और इस साल जो बढ़ी है तीन से अभी तक बढ़ी है तो जैसे जैसे देखिए ये दिन बढ़ते जा रहे हैं उतना ही हमारा जो सेल्स ग्रोथ है वो भी बढ़ती जा रही है बहुत शानदार कंपनी कामकाज करते हुए हमें दिख रही है यहाँ पर अभी और अगर इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो चौंतीस परसेंट की दस सालों में है पाँच सालों में उनसठ परसेंट तीन सालों में एक सौ पंद्रह और इस साल ग्यारह सौ छत्तीस परसेंट की तो कितनी शानदार सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और देखिए ऐसे ही सी ए जी आर देखें तो पिछले दस सालों में सिर्फ छः परसेंट पाँच सालों में भी छः परसेंट लेकिन तीन सालों में देखिए पैंतीस परसेंट से और इस साल हंड्रेड परसेंट से बढ़े है सी तो ये भी हमेशा बढ़ते हुए दिख रहा है और आर देखिए तीन परसेंट का है पहले का इसमें दिया नहीं है फिलहाल इस साल का दिया है तो तीन परसेंट का आर है कंपनी के कुछ प्रोज और कौज देखें तो कौन में एक चीज़ दिखती है कि प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो बीस है बस लेकिन इसमें भी आप देखिएगा अभी एफ आई आर और डी बहुत भर के हैं तो इससे घबराने वाली बात नहीं है अगर इसके हम प्रोज देखें तो देखिए डेप्ट इसने रिड्यूस किया है अपना और एक अच्छा डिविडेंट इसका है साढ़े सात परसेंट से ऊपर का और सी जो है इसका प्रॉफिट ग्रोथ का वो है उनसठ परसेंट से पिछले पाँच सालों में अब चलिए देख लेते हैं कुछ इसके पेयर कंपेरिजन भी तो देखते हैं देखिए पहले है अडानी इंटरप्राइजेज दूसरा रेडिंगटन तीसरा एजिकलॉजिस्टिक तो कितनी बड़ी बड़ी रेन इंडस्ट्री कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो इसके कंपेरिजन में आती हैं और इनसे इसकी टक्कर है और इतने में भी इसने इतनी शानदार सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बना रखी है तो अपने आप में ही ये काबिलियत दिखाता है कंपनी की बात करें देखिए सेल्स की तो सेल्स जो कभी करती थी बारह तेरह करोड़ की वो बढ़कर अब हो चुकी है चार सौ सैंतीस करोड़ की और इस साल भी अभी तक चार सौ छियालीस करोड़ की सेल्स हो गई है सिर्फ दो हज़ार पंद्रह से और दो हज़ार बाईस तक सात सालों में देखिए कितनी सेल्स ने बढ़ा ली है अपनी क्योंकि कंपनी जो है नए नए सेगमेंट्स में अब काम करते हुए हमें दिखाई दे रही है और अगर देखिए प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ कहीं लॉस हुआ करते थे कंपनी को वहाँ एक सौ पिचासी एक सौ उन्यासी करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी आ गई है बहुत शानदार एक प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाई है बात करें अगर हम इसके रिजर्व और कर्जे की तो रिज़र्व भी बड़े हैं देखिए कंपनी के जहाँ कहीं माइनस में रिजर्व हुआ करते थे माइनस में पिछहत्तर करोड़ वहाँ एक सौ करोड़ प्लस में आ गए हैं और अगर हम कर्जे की बात करें तो जहाँ 25 करोड़ 108, 143 करोड़ तक का कर्जा हो गया था देखिए वहाँ रह गया है सिर्फ 24 करोड़ का कर्जा एक तो कर्ज़ा कम किया है कंपनी ने रिजर्व बढ़ाए हैं अपने और देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं जो वहाँ हम देख रहे थे कि बीस परसेंट है सिर्फ प्रोमोटर्स के पास तो वो तो ठीक है कि बीस परसेंट ही है लेकिन ये हमेशा देखिए इतनी ही रही है थोड़ी सी अब की बार बढ़ाई भी है कंपनी में प्रोमोटर्स ने होल्डिंग लेकिन डी आई वो एफ आई आई देखिए आप जो कहीं नील हुआ करते थे अब हो गए हैं अड़तीस पॉइंट सतासी और अड़तीस पॉइंट अठासी तो कितनी शानदार खरीदारी एफ आई आई ने की है और डी आई आई भी देखिए चार परसेंट से ज़्यादा डी आई आई भी हैं और पब्लिक के पास रह गया है सिर्फ़ साढ़े छत्तीस परसेंट तो बहुत ज़्यादा पब्लिक के पास कुछ बचा नहीं है सिर्फ और सिर्फ साढ़े छत्तीस परसेंट बचा है कंपनी का नाम है आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड इंडस्ट्री लिमिटेड और ये जो कंपनी है हमारी ये काम काज करती है देखिए कॉटन टॉवल बेड शीट्स मतलब सारा का सारा ये अपना जो हमारा टेक्सटाइल होता है उसमें काम करती है फैब्रिक बनाती है कॉटन में बनाती है देखिए और ब्लैंड धोती भी बनाती है तो बहुत शानदार ये इसका बिजनेस मॉडल नज़र आता है क्योंकि अब जो है मार्केट में इसकी पैठ जमने लगी है कुछ देखिए कंपनी ने एग्रीमेंट भी किए हैं चार करोड़ के एग्रीमेंट किए हुए हैं तो बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट कंपनी को हो रखा है और ये है पावर सब स्टेशन से तो पावर में भी कंपनी काम काज करते हुए इन फ्यूचर हमें दिख सकती है ये इसी कारण से शेयर प्राइस बढ़ रहा है और पावर से भी इसने कुछ सेल्स की है तो वहाँ से भी इसका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है तो बहुत बढ़िया कंपनी हमें नज़र आ रही है इन फ्यूचर जो है बहुत अच्छा ये काम करेगी ऐसा लगता है लेकिन फिर भी देखिए कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें तभी इन्वेस्ट करें कंपनी की दो सब्सिडरीज भी हैं जिनका नाम है स्टैंडर्ड सॉल्ट लिमिटेड और दूसरी है मफालाल मफत लाल इंटरप्राइजेज तो ये दो सब्सिडरीज हैं इसकी तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत